नहीं, हमने ये ट्वीट नहीं किया है, हमने सिर्फ यही कहा है सबको मार्क करके कि बीजेपी को हराना सबसे इम्पोर्टेंट काम है और टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए कमिटेड है और उनको हराने के लिए जो करना होगा वो हम करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी ममता जी को भी उसमें मार्क किया था। परसों गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को डिफीट करना है, तो उसी लाइन पे हम लोग भी कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी सबसे बड़ा एनिमी है। एनिमी हम अपने आप में नहीं है, एनिमी बीजेपी है, उनको हराना है और उनको हराने के लिए टीएमसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। टीएमसी को जो आखिरी मील चढ़ना है, जो लास्ट माइल वॉक करना हो, वो हमारा ईगो कुछ नहीं है। हमारा ईगो विल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एनीबॉडी। वी आर ऑल कमिटेड टू गेटिंग द बीजेपी आउट और वो करने के लिए जो करना है हम करेंगे। देखिए ये चुनाव के टाइम पे ये सब होता ही रहता है। बंगाल में अगर हम बी टीम है तो फिर बंगाल में जैसे कांग्रेस, आईएसएफ और सीपीएम ने हमारे खिलाफ कैंडिडेट दिया था हर जगह में। हमारा जब बाई इलेक्शन हुआ अभी अक्टूबर में, जो बाई इलेक्शन हुआ 3 सीट्स में, वहां पे शांतिपुर मेरे इलाके में जो हुआ था वहां पे भी कांग्रेस ने इलेक्शन दिया। तो ये बी टीम, सी ए टीम ये कुछ नहीं है। हम जो टीम है वो एंटी बीजेपी टीम है। सो दिस बी टीम सी टीम ये कोई कह सकता है, हम लोग भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट इज बीजेपी गोवा में चुनाव जीत के सरकार नहीं चला रही थी। पिछले 5 साल वो बैकडोर से, पीछे एंट्री से करके वो सरकार चला रही थी और इस बार हमको सबको सतर्क होना है कि वो सिस्टम में हमारे कोई प्रॉब्लम के लिए बीजेपी को सरकार नहीं बनाना है। तो इस बार वी विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी सर। हम नहीं कह रहे कि क्या नेसेसरी है, वो आप समझ लीजिए, व्हाटएवर इज नेसेसरी टीएमसी विल डू, देयर इज नो ईगो इन्वॉल्व्ड, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बीजेपी वो बीच से कहीं साइड एंट्री से निकल ना जाए। यही हम स्पष्ट करना चाहते हैं गोवा के लोगों को। आपको भी ऐसे, आपने हमें ऐड नहीं किया, फिर आप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंटी बीजेपी स्पेस। आप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, हमने उस भी ट्वीट में शायद ऐड नहीं किया हुआ, पर आप भी पार्ट ऑफ एंटी बीजेपी स्पेस है और वो भी हमारे साथ, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इज नो प्रॉब्लम देखिए, ये आप हम अभी चल रहे हैं, आप तो मैराथन दौड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ जनरल व्यू दैट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड टू द पीपल ऑफ गोवा कि लोगों के मन में बहुत अभी डर है कि क्या बीजेपी फिर बैकडोर से हमारे लिए ये करने के लिए, वो करने के लिए फिर सरकार बना लेगा। ये हम उनको कहना आश्वासन देना चाहते हैं कि टीएमसी के कारण बीजेपी निकल जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं है। जो करना है वी आर लिसनिंग टू द पीपल ऑफ गोवा एंड वी विल डू व्हाट इज नेसेसरी। कांग्रेस का जो अलायंस है गोवा फॉरवर्ड ने भी ऐसा ऐलान किया है कि साथ आना चाहिए, बट क्या आप मानते हो कांग्रेस राज्य हो जाएगी? देखिए ये तो कांग्रेस, ये तो ये प्रश्न आप गलत पर्सन से पूछ रहे हैं। हमने जो ट्वीट किया वो हमने ट्वीट किया। अब कांग्रेस को जो कहना है वो कांग्रेस कहेगी, विजय सरदेसाई को जो कहना था उन्होंने कह दिया, हमको जो कहना है हमने कह दिया। अब जो कांग्रेस की बात तो हम नहीं कह सकते, अब वो जो कहना है कहने की, हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गोवा के लोगों के मन में जो अगर डर है, अगर कोई डाउट है कि हमारे अंदर की कोई प्रॉब्लम और ईगो के कारण अगर बीजेपी चुनाव में जीत नहीं के भी अगर उनकी सरकार बने तो ये टेंशन ना करे, वी आर कमिटेड। आप इसमें जो पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स और हम पहले भी कर चुके हैं बीजेपी को डिफीट करने के लिए। इस बार भी हमने को रिकग्नाइज करना है कि ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है और ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बीजेपी है।